उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनपद की बंद पड़ी छाता चीनी मिल की भूमि पर 3000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल की स्थापना के लिए गन्ना और चीनी मिल विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। इस चीनी मिल की स्थापना से चीनी मिल क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि चीनी मिल और आसवानी प्लांट और अन्य परियोजनाओं के संचालन हेतु जनशक्ति का नियोजन कराया जाएगा। आज जो आदरणीय मोदी जी ने गन्ना पे 10 रुपए का FRP घोषित किया है, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इस FRP वृद्धि से उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और सैकड़ों करोड़ रुपया किसानों के खाते में बढ़ेगा। आज बड़ा शुभ दिन है। आज ही आदरणीय योगी जी ने छाता में शुगर मिल कैबिनेट की मीटिंग में शुगर मिल की स्वीकृति प्रदान की है। छाता में बड़ी शुगर मिल लगने जा रही है जिससे पूरे मथुरा जिले का गन्ना छाता की शुगर मिल पर होगा, आगरा का भी गन्ना होगा और इसके अलावा हरियाणा हमसे लगा हुआ है, हरियाणा भी हमारे ही मिल पे पहले भी गन्ना देता था, वो आगे भी चल के हमको गन्ना देना चाहेगा। इसलिए ये पूरी ब्रजभूमि के किसानों की ओर से आदरणीय योगी जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार।